आज मैं हज़रत फादर रिमाद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदत की फूल पेश करने के लिए अजमेर शरीफ आया। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान के कोने कोने से, कश्मीर से, पंजाब से, कर्नाटका से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चारों दिशाओं से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ आने के बाद ना तो कोई हिंदू रहता है, ना कोई मुसलमान रहता है, ना कोई सिख रहता है, ना कोई ईसाई रहता है। अगर कोई रहता है तो सिर्फ हिंदुस्तानी और ख्वाजा को चाहने वाला रहता है। सो हमारा जो देश है आपसी सद्भाव और भाईचारे का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। किसी ने कहा हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता। उस गुलदस्ते को अगर देखना है तो आप अजमेर शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आइए। यहाँ आकर हम लोगों ने मध्य प्रदेश और देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी और ये दुआ मांगी कि हमारा आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे। ये दुआओं के साथ अभी थोड़ा चलते पेश करते हैं आए और इंशाल्लाह कल परसों निकलेंगे। अभी आज आप यहाँ पर किस मकसद को लेकर आए? कि हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है। हजारों साल से हिंदू और मुसलमान एक परिवार, एक खानदान की तरह हिंदुस्तान के अंदर रहता आ रहा है। तो हमारा देश आपसी सद्भाव और भाईचारा, कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता, यही हमारे देश की विशेषता। तो हमारा देश अमनो अमान कायम रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में सब आपसी सद्भाव और भाईचारा है।